नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार वर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा में कार्यरत। मैं आज इस ई लेक्चरर जो कि डिप्लोमा तृतीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की 303 विषय एडवांस कम्युनिकेशन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर PCM सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के लिए अपन PCM क्या है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, इन टॉपिक्स पे हम आज स्टडी करेंगे। सैम्पलिंग थ्योरम की स्टडी करने से पहले अपन देखें कि कम्युनिकेशन के अंदर जो सिग्नल यूज करते हैं वो हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं, जिनको अपन जनरली एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। तो जो हमारे वॉइस या जो भी हमारी कम्युनिकेशन के लिए मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग फॉर्म में होंगे और जिनको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहते हैं। क्योंकि डिजिटल प्रोसेसिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण से जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो जनरली हमारे एनालॉग की बजाय डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा यूजफुल है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या वॉइस सिग्नल या मैसेज सिग्नल है उसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हम सैम्पलिंग ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, बट इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम ये माने कि हमने जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया है और वापस हम इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वापस हम उसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करें, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? तो इसके लिए सैम्पलिंग थ्योरम का यूज किया गया है। सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये कहती है कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के सैंपल्स में, जो रेगुलर इंटरवल के बाद में सैंपल्स है, उसमें कन्वर्ट कर लें और इन सैंपल्स को वापस से किसी ऑपरेटर से या मैथमेटिकल ऑपरेटर से वापस से इसको पास किया जाए तो हमें वापस से ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिल सके। तो इसके लिए सैम्पलिंग थ्योरम का यूज किया गया है। सैम्पलिंग थ्योरम हमें क्या कहती है कि ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी, ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी विच हैज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन FM हर्ट्ज, मीन्स कहने का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसका FM है, इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स सैंपल वैल्यू एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स, एट यूनिफॉर्म इंटरवेल्स लेस देन और इक्वल टू 1/2 FM सेकेंड्स इंटरवेल्स अपार्ट। कहने का मतलब एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM है, अगर हम उनको सैंपल्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो सैंपल्स है उनका टाइम इंटरवल की वैल्यू होगी वो 1/2 FM सेकेंड्स होगी। इसी को हम दूसरी भाषा के अंदर अभी कहें कि ए बैंड लिमिटेड सिग्नल ऑफ फाइनाइट एनर्जी विच हैज नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर देन FM
हर्ट्ज, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसका एफएम है, मे बी कंप्लीटली रिकवर्ड इफ 2 FM सैंपल्स टेकन, यानी हमें वापस से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रिकवर करने या वापस से लेने के लिए हम 2 FM सिग्नल्स के सैंपल्स, 2 FM डिस्क्रीट सिग्नल्स के सैंपल्स को अगर अपन पास करेंगे तो हमारा वापस से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो मिल जाएगा. सो ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन सैंपल एंड रिकवर बैक इफ द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस शुड इक्वल टू, जिसको अपन ने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है, यानी सिग्नल को रिकवर करने के लिए कितने सैंपल्स हमारे पर सेकंड पास होना चाहिए या उसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए या सैंपलिंग रेट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमने एफ एस जो है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 FM, जहां एफ एस हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो गई और एफ एम उस फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिटेड सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो. कहने का मतलब है कि सैंपलिंग रेट या सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी वो अगर 2 FM या इससे ज़्यादा होगी तो हम हमारे सिग्नल को वापस से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से सैंपलिंग थ्योरम को डिफाइन किया है और सैंपलिंग थ्योरम को हम नाइक्विस्ट थ्योरम कह सकते हैं या नाइक्विस्ट रेट के लिए भी कहते हैं कि अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2 FM के बराबर है, अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी एफ एस दैट इज इक्वल टू 2 FM तो हम इसको नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट भी कह सकते हैं, दैट इज नाइक्विस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट दैट इज एफ एस, जिसकी वैल्यू 2 FM के बराबर है. नाइक्विस्ट इंटरवल के लिए अपन टी एस दैट इज इक्वल टू 1/2 FM, तो हमारा ये नाइक्विस्ट इंटरवल कहलाएगा. तो यहां पे हम देखें कि हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2 FM के बराबर है तो उसको हम नाइक्विस्ट रेट या नाइक्विस्ट इंटरवल से डिफाइन करेंगे और हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, मैं दे सेकंड के अंदर बता रहा हूं कि जब एफ एस इज इक्वल टू 2 FM यानी हमारा नाइक्विस्ट रेट के बराबर अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट हमारे को मिल जाएगा और हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो एग्जैक्ट उसी शेप में हमें मिलेगा. इसी तरह से अगर सैंपलिंग रेट हम 2 FS से ज्यादा लेते हैं, अगर सैंपलिंग रेट हमारी 2 FS से ज्यादा होगी तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक इस तरह से जिसको दिखाया गया चित्र के अंदर वो हमारे को इस फॉर्म में मिलेगा और वो उसमें किसी भी तरह का एलाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, कोई लॉस नॉइज नहीं होगा या कोई डिस्टोर्शन हमारा डिस्टोरेटेड सिग्नल नहीं होगा, हमें एग्जैक्टली सिग्नल वापस से रिकवर हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट जो है अगर वो 2 FM से कम है, मीन्स एफ एस इज लेस देन 2 FM, तब हम देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम पे हमारा ओवरलैपिंग हो रही है, हमारी हमारे जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो एग्जैक्ट हमारे को उसी शेप में नहीं मिलके ओवरलैपिंग होगी, जिसमें एक दूसरे से जो ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम एलाइजिंग इफेक्ट कहते हैं और एलाइजिंग एरर हमारी उस केस में जनरेट होगी. तो इस तरह से हमने सैंपलिंग जो थ्योरम है उसको डिफाइन किया है कि भाई सैंपलिंग के माध्यम से हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को छोटे छोटे सैंपल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहेंगे, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को वापस से हम एक सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 2 FM या उससे ज़्यादा सैंपल्स को अगर हम पर सेकंड पास करेंगे तो वापस से हमारा सिग्नल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमें वापस से रिकवर हो सकेगा. तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज
सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से क्वांटाइजेशन मेथड और वापस से हमें एनालॉग फॉर्म में सिग्नल को लेने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हम क्या कंडीशंस रखते हैं, वो हमारी सैम्पलिंग थ्योरम से हमें मिलती है। धन्यवाद।